तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ अलग ही अपडेट मिलने वाले हैं और जो कि रोज़गार इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। जैसा कि आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके मोबाइल पर कि समूह सखी मानदेय क्या होगा, साथ में अब बनेंगी ये चीज़ यानी कि पशु सखी कृषि सखी। तो आज की इस वीडियो में आपको पशु सखी और कृषि सखी के बारे में अपडेट मिलेगा। ये कौन लोग बन सकते हैं, कितनी पेमेंट्स होंगी, क्या करने होंगे, इन सारी अपडेट्स की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रेकी नंबर वन। स्वागत है सभी का दिल से, हर गृहिणी, हर बंधु, हर भाई, हर दोस्त, हर मित्र का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। यहाँ पर वही वीडियो बनती हैं जो समाज के हित में होती हैं, जो हर बेरोज़गार युवा के हित में होती हैं, जो हर गृहिणी के हित में होती हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और भाई, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि आपको यहां पर वही वीडियो मिलेंगी जो आपको रोज़गार देंगी, जो आपके हित में होंगी। तो सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन होती हैं सबसे पहले, सबसे तेज़ आपको मिलती हैं ट्रिकी नंबर वन पर। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और सरल ज्ञान, ट्रिकी नंबर वन आपके हाथ में, तो भैया इन्फॉर्मेशन आपके साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको फटाफट बताते हैं कि बीसी सखी की बात ही छोड़िए, तो बीसी सखी में आपको क्या करना है, कैसे, क्या कन्फ्यूजिंग है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आजकल जो चल रहा है समूह सखी और बीसी सखी को लेकर, 4000 रुपये और 1200 रुपये को लेकर, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ और उसमें बताऊँगा कि ये समूह सखी और बैंक सखी 4000-1200 रुपये ये क्या चक्कर है, तो इसकी वीडियो नेक्स्ट होगी। बट इस वीडियो में आपको जो मिलने वाली है ये एकदम बिल्कुल नई अपडेट है, आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, ये करंट न्यूज़ है। आपको समूह सखी, जो समूह की महिलाएं हैं उनको अब मिलेगी ये काम। तो ये जो नई दो अपडेट आ चुकी है, एक पशु सखी का, दूसरा आपका कृषि सखी का, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ना ज़्यादा बातें करते हुए सीधे सीधे आते हैं मुद्दे पर, और वीडियो भाई लग जाए अच्छी तो लाइक करना हमारी एनर्जी के लिए, हम आप लोगों के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है हर बहन का, हर भाई का, हर दोस्त का। तो जैसा कि आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि पीडीएफ रूप में अवेलेबल है, तो इसमें क्या अपडेट्स है वही जानकारी आपको मिलेंगी। रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आप इन्फॉर्मेशन समझ पाते हैं। एक्चुअली आपको बता दें होता क्या है, अभी एक बहन ने हमारे पास कमेंट किया है और उस कमेंट में उसने वही चीज़ पूछा है जिस वीडियो के बारे में हमने, जिस समस्या के बारे में वीडियो बनाया था उसी वीडियो पर उसी चीज़ के लिए प्रश्न किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई आप लोग जो है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद हटाएंगे, जो मन में आएगा वही पूछेंगे। पर एक बार मैं बता दूं, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते तो शायद आपकी समस्या खत्म हो जाती। फिलहाल आप इतने समझदार हैं, आपकी जो जी का चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे व्हाट्सअप नंबर माध्यम से या फिर कॉन्टैक्ट के माध्यम से या फिर आप वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं आपके जवाब देने के लिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए बातों को शुरू कर लेते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं, जो भी है आपके सामने अपडेट प्रत्यक्ष रूप से लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ज़िले में, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा हाइलाइट्स कर दे रहा हूँ ताकि भाई निगाह पड़ जाए। वो कहते नहीं हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो कहने का मतलब अब आपको दिखाना पड़ेगा तभी तो आप जानेंगे, इसलिए हाइलाइट्स करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो चलिए हाइलाइट्स करते हैं और पूरी पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। ज़िले में कृषि और पशु आधारित अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने के लिए, जिला प्रशासन की ओर से ज़िले भर में कृषि और पशु सखी प्रोजेक्ट लागू किया गया है। ये बिल्कुल नई अपडेट है, आपको सबसे पहले सबसे तेज़ मिलती है ट्रिकी नंबर वन पर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मंगलवार को जो है बाली ब्लॉक से, ठीक है, बाली ब्लॉक से शुरू होगा, जिसमें ब्लॉक की महिलाओं, ये देखिए इसमें ओनली महिलाएं हैं, पुरुष इसमें बिल्कुल जो है कहते हैं पुरुष इसमें जो है दलंदाजी ना करें या फिर हस्तक्षेप ना करें, तो ये बिल्कुल महिलाओं के लिए है, बहनों के लिए है। तो प्रशिक्षण देकर इसे रोल मॉडल के रूप में तैयार करेंगे, साथ में वहीं इस प्रोजेक्ट को ज़िले प्रशासन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ज़िले प्रशासन भारत सरकार को भी भेजेगा। यदि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट सफल होता है, यानी कि जो बाली
बाली, यहाँ से आप देख पा रहे हैं बाली ब्लॉक से शुरू होगा। तो बाली ब्लॉक में अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो यहाँ पर आगे देखिए क्या अपडेट्स मिल रही है कि वहीं इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन भारत सरकार को भेजा जाएगा। यदि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो देश भर में लागू किया जा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से जिले की महिलाओं को कृषि और पशु आधारित कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। कृषि पशु सखी नाम से इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। होने वाले जो प्रोजेक्ट वाली ब्लॉक से शुरू होगा, जिसके तहत कृषि पशु सखी की नियुक्त किए जाएंगे, इसके साथ ज़िले की 321 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बाली को रोल मॉडल तैयार के रूप में चयनित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पाल, कलेक्टर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है प्रशासनिक अधिकारी तौर पे, तो कुमार पाल गौतम जी ने बाली में एम पावर परियोजना के तहत सभी को निर्देश जारी किया है और उन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स वाली जो बात है आप इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ये बहुत ही रुचिकर पॉइंट्स है। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बातों को समझ जाएं। चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सबसे पॉइंट्स वाली जो बात है, ये वाला पॉइंट्स आप खुद समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को निर्देश जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि नरेगा में 100 दिन, यहाँ पर आप देखिए 100 दिन, यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 100 दिन रोजगार पूर्ण कर चुके पात्र व्यक्तियों को कृषि सखी पशु सखी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो नरेगा, जिनके पास नरेगा का जॉब कार्ड है, उनके लिए भैया ये बम्पर ऑफर है। अगर आपका 100 दिन पूरा हो गया है तो आपको बनाया जाएगा, महिलाएं बनेंगी भैया, महिलाएं बनेंगी पशु सखी और बनेंगी कृषि सखी। अब ये इतना हल्का पोस्ट तो है नहीं, अगर आपको कुछ काम मिलेगा तो उसका दाम भी मिलेगा, तो बहुत ही सुनहरा अवसर। आगे अपडेट देख लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आपकी भैया पेमेंट्स क्या रहेगी, ठीक है। समूह सखी की महिलाओं का पेमेंट्स भी आपको बताएंगे, फिलहाल पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि आपका 100 दिन अगर नरेगा में पूरा है तो आप बन सकते हैं क्या कृषि सखी पशु सखी की, जो है प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। चलिए आगे भी कुछ अपडेट्स है उसको भी जानते हैं। ये तो हो गई बात, अब एक एक टॉपिक पर जब बात कर लेते हैं, पहला आपका कृषि सखी, दूसरा आपका पशु सखी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृषि संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण देकर कृषि सखी को तैयार करने का निर्देश जो है, यहाँ पर कृषि सखी के सभी फसलों से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब आप तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करेंगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको फसलों के बारे में सब कुछ पता है, तो इसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और वही प्रशिक्षण लेकर आप लोगों को प्रशिक्षित करेंगी, यही आपका काम होगा और इस काम के लिए नगद आपका दाम होगा। तो चलिए आते हैं, इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट्स, यहाँ पर आपका काम क्या होगा। ये देखिए छिड़काव से लेकर पेस्टिसाइड आदि मूलभूत जानकारी रखेंगी, साथ में इस चीज़ के लिए आप प्रशिक्षण यानी कि प्रेरित करेंगी। कृषि विभाग द्वारा सामान्य जानकारी मुहैया कराया जाएगा, इसके साथ ही कृषि में हो रही नवाचारों, तकनीक आदि के बारे में आप जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगी। ये हो गई कृषि सखी की बात। अब बात कर लेते हैं पशु सखी की, तो पशु सखी के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर है पशु सखी को पशुपालन से संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि क्षेत्र में पशुओं की छोटी मोटी बीमारियों की शिकायत मिलने पर वह अपने स्तर पर उसका निस्तारण कर सकें। इसके साथ इन्हें डेयरी से संबंधित भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि क्या हो कि भैया निर्देशन देने के बाद, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि संबंधित पशुओं का जो प्रशिक्षण है उस चीज़ को आप अगर अच्छे से देंगी तभी जो है लोग अलर्ट हो पाएंगे, दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ पाएगी। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है सीधे सीधे कि इन्हें, यहाँ पर आप देखिए, इन्हें डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण भी देने होंगे, यानी कि आपको प्रशिक्षण मिलेगा कि क्या खिलाया जाए पशुओं को, किस तरह से उनका ज़्यादा दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, ये सब आपको सरकार ट्रेनिंग देगी। इसके लिए फिर अपने गांव में, अपने पड़ोस में इस चीज़ के लिए आपको प्रेरित करना होगा और यही काम होगा आपको, और इसके लिए अच्छी खासी आपको पेमेंट्स दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, देखभाल के साथ दूध की मात्रा बढ़ोतरी होगी इस अभियान से। और यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग इस योजना से 25% दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन बेटर लगी होगी। अब पॉइंट्स वाली बात कर लेते हैं कि पेमेंट्स कितना होगा आपका,
तो जो भैया समूह सखी हैं, समूह सखी कोई भी बन सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, तो उनको जो है 1200 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर कृषि सखी और आपके पशु सखी, तो 1200 रुपये तो इनको मिलेगा ही, साथ में इनका जो कार्य होगा उसके हिसाब से 10 से 5 हज़ार जो भी पेमेंट निर्धारित किया जाएगा वो पेमेंट्स आपको मिलेगी, ठीक है। उसकी अभी अनाउंसमेंट्स नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया है, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, जो भी प्रक्रिया होगी, कैसे तैनाती होगी, कैसे नियुक्ति होगी, सब कुछ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस मिलते हैं और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।